हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल सुदिति एडू टॉक. माई सेल्फ इंजीनियर अमित श्रीवास्तव एंड टुडे आई विल टीच यू लाइट. दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर फिजिक्स सब्जेक्ट. बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिकैप करेंगे कि कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था. कल के लेक्चर में हम लोगों ने ये पॉइंट्स कवर किए थे. आइए इस पॉइंट्स के बारे में हम लोग जानते हैं. बच्चों, कल हम लोगों ने लाइट की हिस्ट्री पढ़ी थी. लाइट की हिस्ट्री में हम लोगों ने ये जाना कि न्यूटन ने अपनी थ्योरी दी थी. उस थ्योरी में न्यूटन ने ये बताया कि रे ऑफ लाइट इट इज कंप्राइज ऑफ मैनी इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स आर नोन एज फोटॉन्स. यानी न्यूटन ने इसके पार्टिकल नेचर के बारे में बताया था. बच्चों, उसके बाद 1678 में क्रिश्चियन हाइगन्स ने इसके वेव नेचर के बारे में बताया सबसे पहले. फिर 1873 में इसी वेव नेचर को प्रूफ करते हुए मैक्सवेल ने अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जो लाइट है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसी वेव होती है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से फ्यूज होकर के बनती है. आई बस समझ में. इसी थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था 1887 में हर्ट्ज ने, और उन्होंने ये बताया कि लाइट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर होता है, यानी लाइट का वेव नेचर होता है. दो हमारे पास कॉन्ट्राडिक्टी बातें आ चुकी थी, न्यूटन का पार्टिकल बिहेवियर वाला वो बात, और दूसरा मैक्सवेल और हर्ट्ज की वेव नेचर वाली बात. इन दोनों बातों को एक साथ रिकॉन्साइल करके मॉडर्न क्वांटम थ्योरी आती है. मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ने इस बात को अप्रूव किया कि लाइट का ड्यूअल नेचर है. लाइट का कौन सा नेचर है, ड्यूअल नेचर है, यानी पार्टिकल बिहेवियर भी है इसका, साथ ही साथ इसका वेव नेचर भी है. ठीक है, फिर बच्चों, लाइट की मैक्सिमम स्पीड मैक्सवेल ने अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में बताई थी. वो स्पीड कितनी थी, 299792 मीटर पर सेकेंड. क्या बताई थी स्पीड, 299792458 मीटर पर सेकेंड, जो कि रफली किसके इक्वल होता है, विच इज रफली इक्वल टू 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड. इसको ऐसे भी समझा जा सकता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. यानी वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है. एक सेकेंड में लाइट रे वैक्यूम में 3 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर लेती है. बच्चों, उसके बाद हम लोगों ने बातचीत की थी मीडियम्स के बारे में, क्योंकि वैक्यूम से निकलने के बाद जब लाइट रे हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है तो अलग अलग मीडियम के साथ में मिलती है. मीडियम 3 टाइप के होते हैं, मैंने आपको बता रखा था वो 3 टाइप के मीडियम. पहला मीडियम होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम. कौन सा मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम. दूसरा मीडियम है ट्रांसलूसेंट मीडियम, और तीसरा मीडियम है हमारे पास में ओपैक मीडियम. तो ट्रांसपेरेंट मीडियम वो मीडियम होता है जिसके आर पार लाइट रे प्रोपोगेट हो सकती है. ट्रांसलूसेंट मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें से पार्शियली लाइट रे प्रोपोगेट कर सकती है. और ओपैक मीडियम एक ऐसा मीडियम है जिसके अक्रॉस लाइट रे प्रोपोगेट नहीं कर सकती है. आइए इसके एग्जाम्पल्स के बारे में जानते हैं. तो ट्रांसपेरेंट मीडियम, जैसा हमारा ग्लास है, प्लेन वाटर है, दीज आर ऑल ट्रांसपेरेंट मीडियम. अब उसके बारे में बातचीत करते हैं ट्रांसलूसेंट मीडियम. ऑयल हो गया, हनी हो गया, ये सब क्या है, ट्रांसलूसेंट मीडियम. इसमें से पार्शियली लाइट पास कर पाती है, प्रोपोगेट कर पाती है. फिर बात करते हैं हम लोग ओपैक मीडियम की. तो ओपैक मीडियम ऐसा मीडियम होता है जिसके अक्रॉस लाइट रे पास होकर के नहीं जा सकती है. जैसे हमारा ब्लैक बोर्ड हो गया, डस्टर हो गया, वॉल्स हो गई, ये सब क्या है, हमारी ओपैक मीडियम है. इसके आर पार लाइट रे नहीं जा सकती है. फिर बच्चों, हम लोगों ने बातचीत किया था रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन लाइट का एक फिनोमिना है.
हमने डिफरेंट फिनोमिनास के बारे में कल बातचीत की थी और जिसको एक वन बाय वन करके हम लोग इसको कवर करेंगे पूरे लेक्चर में। पांच लाइट के फिनोमिनास हैं। सबसे पहला फिनोमिना रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना है, फिर हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग इस डिस्पर्जन के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्कैटरिंग के बारे में पढ़ेंगे और डिफ्रैक्शन के बारे में ऑलरेडी हमने आपको पढ़ाया है। बच्चों डिफ्रैक्शन के बारे में ज़्यादा डिटेल में इस चैप्टर में हमने नहीं पढ़ना है, क्योंकि डिफ्रैक्शन के बारे में डिटेल में आप हायर क्लासेस में क्लास 11th और 12th में पढ़ेंगे। बच्चों इस लेक्चर में हम लोग रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन और स्कैटरिंग, ये चार फिनोमेना ही कंप्लीट करेंगे इस ऑनलाइन सीरीज में। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा फेवरेट और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग टॉपिक, उसका नाम है रिफ्लेक्शन। आइए देखते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन एक ऐसा लाइट का फिनोमेना है जब लाइट रे किसी सरफेस पे आकर के इनकाउंटर होती है, तो इनकाउंटर होने के बाद में सेम मीडियम की तरफ बाउंसिंग बैक कर जाती है, इस फिनोमेना को हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। द लाइट रे व्हेन इट इनकाउंटर्स विथ अ सरफेस इट बाउंसिंग बैक टू द सेम मीडियम, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। Is it clear? So, अब हम लोग बातचीत करते हैं कि रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने एक चीज और पढ़ी थी, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दो तरीके के टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोगों ने पढ़ रखे थे, एक पढ़ा था रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा पढ़ा था इररेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्शन होता है जिसमें लाइट रे किसी स्मूथ सरफेस पे आकर के इंसिडेंट होती है और इंसिडेंट होने के बाद में फिर वो बाउंसिंग बैक करती है। इस टाइम पे जो इंसिडेंट लाइट रेज हैं वो पैरेलल होती हैं और आफ्टर द रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं वो भी एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ऐसा रिफ्लेक्शन क्या कहलाता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। बच्चों फिर इररेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि जब रेगुलर रिफ्लेक्शन पढ़ा है तो इररेगुलर रिफ्लेक्शन भी पढ़ना जरूरी होता है। ये एक मोस्ट कॉमन फिनोमेना है लाइट का, जिसमें इंसिडेंट लाइट रेज पैरेलल तो होती हैं लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं रह जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लाइट रे उस टाइम पे किसी रफ सरफेस पे इंसिडेंट होती है एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन ये अलग अलग डायरेक्शन की तरफ मुड़ जाती है। इस टाइम पे रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में एक डिफिनेशन, छोटी सी डिफिनेशन करते हैं, उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ मिरर पे आएंगे और इस चैप्टर को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो जैसा कि कल मैंने आपको बताया था द फिनोमिना ऑफ लाइट, किसका फिनोमिना है? ये लाइट का फिनोमिना है। इन विच इट बाउंसिंग बैक, जिसमें ये क्या करती है? बाउंसिंग बैक टू द सेम मीडियम, बाउंसिंग बैक टू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन अ सरफेस। तो लाइट का ऐसा फिनोमिना जिसमें लाइट रे क्या करेगी? बाउंसिंग बैक टू द सेम मीडियम, जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में टकरा करके लौट जाएगी। और टकराएगी कैसे? आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन अ सरफेस। तो ये फिनोमिना क्या कहलाएगा? ये फिनोमिना कहलाएगा रिफ्लेक्शन। आई बस समझ में? तो बच्चों हमने पढ़ रखे थे दो तरीके के सरफेस होते हैं। पहला सरफेस कैसा होता है? स्मूथ सरफेस होता है। और दूसरा सरफेस क्या होता है? रफ सरफेस होता है। तो जनरली हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनकी सरफेस तो रफ है, क्योंकि ये जरूरी तो नहीं है कि लाइट रे जब भी इंसिडेंट होगी किसी मिरर सरफेस पे होगी, किसी स्मूथ सरफेस पे होगी। क्योंकि किसी स्मूथ सरफेस पे होगी तो ये बहुत रेयर फिनोमिना होता है जब हम किसी मिरर की तरफ देखते हैं,
लेकिन किसी कमरे के अंदर बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रखे हुए होते हैं। जब अपने कमरे का लैंप हम ऑन करते हैं तो लाइट रे उस लैंप से निकलती है और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे इंसिडेंट होती है। इंसिडेंट होने के बाद में रफ सरफेस पे इंसिडेंट होती है, चूंकि अलग अलग डायरेक्शन में वो क्या कर जाती है, फैल जाती है, जिसकी वजह से किसी भी एंगल में हम लोग, किसी भी एंगल से हम लोग घर में रखी हुई, कमरे में रखी हुई किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट से हम लोग बड़े ईजली, बड़े आराम से देख सकते हैं। इसलिए ये फायदेमंद चीज़ ही हमारे लिए, क्योंकि ये कॉमन फिनोमिना है। हमारे रिफ्लेक्शन में सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन ये इररेगुलर रिफ्लेक्शन ही होता है, और रेगुलर रिफ्लेक्शन तो रेयर होता है। जब किसी मिरर में हम लोग देखते हैं तब लाइट रे किसी स्मूथ सरफेस पे आकर के इनकाउंटर होती है, उसके बाद फिर उसका रिफ्लेक्शन होता है। उस टाइम पे इंसिडेंट लाइट रेज पैरेलल होती हैं, और आफ्टर द रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड लाइट रेज भी एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे पोर्शन को जिसमें हम लोगों ने इस डेफिनेशन पार्ट को कवर किया था, इसको मैं इरेज करने जा रहा हूँ। उसके बाद बच्चों हम लोग मिरर पे आएंगे, क्योंकि मिरर क्या है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और जिससे हम लोग रिफ्लेक्शन की इस पूरे फिनोमेना को अच्छे से समझ सकते हैं। तो बॉयज एंड गर्ल्स, मिरर के टाइप्स के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। मिरर बेसिकली दो टाइप के होते हैं, पहला प्लेन मिरर होता है, दूसरा क्या होता है, स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले हम लोग मिरर की डिफिनेशन जानते हैं कि मिरर क्या है, कैसे ये बाकी और सरफेसेस से डिफरेंट है। तो मिरर, मिरर के बारे में जानते हैं। तो बच्चों मिरर क्या होता है, मिरर एक स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो कि एक ट्रांसपेरेंट ग्लास के द्वारा बनाया जाता है। ट्रांसपेरेंट ग्लास में दो सरफेसेस होती हैं, एक सरफेस थिकनेस के एक तरफ, एक सरफेस थिकनेस के एक तरफ और दूसरी सरफेस थिकनेस के दूसरी तरफ। तो कोई ग्लास उसमें कुछ मोटाई तो होगी ही, तो उसकी एक सरफेस, उसमें कितनी सरफेस होंगी, एक सरफेस इधर होगी और एक सरफेस इधर होगी। इस डायग्राम में मैं ग्लास की थिकनेस को ही दिखा रहा हूं, आई बस समझ में। अब हम क्या करेंगे, इसकी एक सरफेस पे पॉलिश कर देंगे। जब इसकी एक सरफेस पे पॉलिश करेंगे तो जाहिर सी बात है दूसरी वाली जो सरफेस होगी वो मिरर की तरीके से बिहेव करेगी, यानी दूसरी वाली जो सरफेस होगी एक परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगी। बच्चों ये जो पॉलिश होती है, अब आप लोग क्वेश्चन पूछोगे ये पॉलिश किसकी होती है, तो पुराने टाइम पे ये पॉलिश की जाती थी सिल्वर से, और इस प्रोसेस को कहा जाता था सिल्वरिंग। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता था, सिल्वरिंग। अब चूंकि हमें तो पता है कि सिल्वर जो है एक महंगा मेटल है, तो आज के इस इंडस्ट्रियल युग में अब सिल्वरिंग प्रोसेस का नाम तो है लेकिन सिल्वर का भी यूज नहीं किया जाता है, यहाँ पे एल्यूमिनियम का यूज कर लिया जाता है या कोई और सस्ती कंपाउंड्स का या और सस्ते एलिमेंट का हम लोग यूज कर लेते हैं, ताकि इस पीछे वाली सरफेस को हम लोग क्या कर सकें, पॉलिश कर सकें। लेकिन जाहिर सी बात है यहाँ पे कोई मेटल ही होता है, जैसे मरकरी का अमलगम हो गया, मरकरी का अमलगम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तो ये क्या होता है, जब एनवायरनमेंट में एक्सपोज होता है, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस, तो क्या करेंगे, जल्दी से इनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। जब इनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो इनका बिहेवियर कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। तो इनके ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग इस पे क्या कर देते हैं, रेड ऑक्साइड की पेंटिंग कर देते हैं, और रेड ऑक्साइड की पेंटिंग होने के बाद में ये एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन नहीं करता है, आई बस समझ में। तो बच्चों ये था हमारा प्लेन मिरर। अब हम लोग जानते हैं स्फेरिकल मिरर क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, मैंने बोर्ड पे जो बना रखा है
एक 2D डायग्राम, ठीक है ना? आपने बॉल्स देखी होंगी, सपोज करो वो बॉल किसकी बनी हुई हो, ग्लास की बनी हुई हो, कांच की बनी हुई हो। ग्लास को हिंदी में कांच कहते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, ठीक है? यानी लाइट रे उसके आर पार प्रोपोगेट कर सकती है, पेपर वेट जैसा समझ लो। लेकिन ध्यान रहे कि वो ग्लास बॉल जो होगी वो हॉलो होनी चाहिए, वो सॉलिड नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, उस ग्लास बॉल की किसी एक पोर्शन को हम लोग क्या करेंगे, कट कर लेंगे। जब उस पोर्शन को कट कर लेंगे तो हमारे पास में ये पोर्शन मिलेगा, और इस पोर्शन में जब हम पीछे की तरफ यानी बल्ज आउट सरफेस में, बल्ज आउट सरफेस क्या होता है, बल्ज मतलब होता है बाहर की तरफ, बल्ज होता है मतलब मुड़ा हुआ होना, आउट मतलब होता है बाहर की तरफ। इन दोनों इंग्लिश के वर्ड्स को कंबाइन कंबाइन किया तो क्या मीनिंग आई, बल्ज आउट सरफेस, बाहर की तरफ मुड़ी हुई सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं, बल्ज आउट सरफेस कहते हैं। आई बस समझ में? तो बल्ज आउट सरफेस पे जब हम लोग पॉलिश कर देते हैं तो अंदर वाली जो सरफेस होती है उसे हम लोग कहते हैं बेंट इन सरफेस। कौन सी सरफेस, बेंट इन सरफेस। बेंट मतलब भी मुड़ा हुआ होना, और इन मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ मुड़ी हुई सरफेस को हम लोग क्या कहेंगे, बेंट इन सरफेस। तो बच्चों स्फेरिकल मिरर में दो सरफेसेस होते हैं, एक सरफेस क्या होता है, बल्ज आउट सरफेस। तो यहां मैं लिखने जा रहा हूं BULGED, बल्ज आउट सरफेस, और अंदर वाली सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, बेंट इन सरफेस। क्या कहेंगे हम लोग, बेंट इन सरफेस। तो जैसा कि हम लोगों ने जाना कि किसी स्फेरिकल मिरर में दो तरीके की सरफेस होती है, एक होती है बेंट इन सरफेस जो अंदर की तरफ मुड़ी होती है, और दूसरी सरफेस क्या होती है, बल्ज आउट सरफेस, ऐसी सरफेस जो बाहर की तरफ उभरी हुई होती है। बल्ज मतलब बाहर की तरफ उभरा हुआ होना। आई बात समझ में? तो जब बाहर वाली सरफेस में कोटिंग कर दी जाएगी तो अंदर वाली सरफेस मिरर की तरीके से वर्क करेगी। तो इस तरीके के मिरर को हम लोग क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर। क्या कहेंगे हम लोग, कॉनकेव मिरर। ऐसे मिरर को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, कॉनकेव मिरर। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानेंगे कि कॉनवेक्स मिरर क्या होता है। बच्चों जब हम लोग कॉपियां चेक करते हैं और एग्जाम में क्वेश्चंस देते हैं तो बच्चे, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कॉनकेव मिरर कहते हैं या कॉनवेक्स मिरर कहते हैं। तो इसको याद करने की मेरे पास में एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है, कॉनकेव में दो शब्द आते हैं, कॉन और केव। तो केव मतलब क्या होती है, गुफा, यानी जो चीजें अंदर की तरफ हॉलो हो उससे हम लोग क्या कहेंगे, केव कहेंगे। तो जो मिरर किसकी तरफ हो, अंदर की तरफ हॉलो टाइप का होगा, तो ऐसे मिरर को हम लोग क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर कहेंगे। आई थिंक आप लोगों को याद रहेगा। आई बस समझ में? बच्चों फिर हमारे पास में एक हॉलो स्फेरिकल बॉल है। इस हॉलो स्फेरिकल बॉल में एक कटिंग प्लेन के द्वारा छोटा सा सेगमेंट अलग कर लेंगे। आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट, याद होगा आप लोगों को। तो इसका छोटा सा सेगमेंट हम लोग क्या करेंगे, अलग कर लेंगे, माइनर सेगमेंट इसका अलग कर लेंगे। अब इसके माइनर सेगमेंट में बेंट इन सरफेस में क्या कर दें, कोटिंग कर दें। बेंट इन सरफेस में क्या कर दें बच्चों, कोटिंग कर दें। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा बल्ज आउट सरफेस है ये सरफेस मिरर की तरीके से काम करने लगेगा, मिरर की तरीके से काम करने लगेगा, और इस तरीके से बने हुए मिरर को हम लोग कॉनवेक्स मिरर कहते हैं। तो बाहर वाला क्या हो जाएगा, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर क्या मिलेगी बच्चों, रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिल जाएगी।
और इस तरीके का मिरर जिसमें बल्ज आउट सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाए और बेंट इन सरफेस में पॉलिश की जाए, तो इस तरीके के बने हुए मिरर को हम लोग कॉनवेक्स मिरर कहते हैं। तो क्या कहते हैं हम लोग इसको? कॉनवेक्स कहते हैं। तो अब कभी लाइफ में कंफ्यूज हो गए कि कॉनवेक्स मिरर किसे कहते हैं, जो बल्ज आउट वाला होता है उसे कहते हैं या बेंट इन वाले को कहते हैं, तो उसके लिए भी एक ट्रिक है बच्चों। इसमें क्या आई है? ई एक्स आई है। तो ई एक्स हम लोग एक वर्ड पढ़ते हैं एपेक्स। एपेक्स मतलब होता है पर्वत की चोटी जो कि बाहर की तरफ उभरी हुई होती है, यानी किसी उभरे हुए पठार के भाग को, प्लेटू के पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? एपेक्स कहते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे तो जो बाहर की तरफ उभरा हुआ है इसको हम लोग क्या कहेंगे? एपेक्स कहेंगे। और एपेक्स में ई एक्स प्रोनाउंसिएशन आता है, इसलिए इस मिरर को हम लोग क्या कहेंगे? कॉनवेक्स मिरर कहेंगे। आई बस समझ में? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कॉनवेक्स मिरर कहेंगे, ठीक है। तो बच्चों कॉनवेक्स मिरर पढ़ा हम लोगों ने, कॉनकेव मिरर पढ़ा हम लोगों ने, प्लेन मिरर पढ़ा हम लोगों ने। अब इसको पढ़ने के बाद में इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं, ठीक है। इनकी अलग अलग टर्मिनोलॉजीज को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनकी टर्मिनोलॉजीज को जाने बगैर हम लोग इनके न्यूमेरिकल्स सॉल्व नहीं कर पाएंगे और हमारी जो इस टॉपिक के प्रति जो अंडरस्टैंडिंग है वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाएगी। तो इसकी हर एक टर्मिनोलॉजीज के बारे में जानेंगे वन बाई वन। सब पानी पीला। तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर दो टाइप के होते हैं, सिंपल मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। फिर स्फेरिकल मिरर को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो आइए हम लोग जानते हैं, पहले हम लोग बातचीत करते हैं प्लेन मिरर की। तो प्लेन मिरर क्या है? कि ऐसा मिरर जिसकी रेडियस क्या हो? इनफाइनाइट हो। ऐसा मिरर जिसकी रेडियस क्या हो? इनफाइनाइट हो और डेटम लाइन से उसके हर एक पॉइंट सेम डिस्टेंस पे हो, तो क्या कहलाएगा? वो प्लेन मिरर कहलाएगा, जिसके वन साइड में कोटिंग की जाएगी और दूसरा साइड जो होगा वो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरीके से बिहेव करेगा। इस तरीके के मिरर को हम लोग प्लेन मिरर कहते हैं। बच्चों जब कोई ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के सामने होता है, प्लेन मिरर के सामने होता है, तो उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है सबसे पहले वर्चुअल बनती है। अभी हम लोग इमेजेस के बारे में जानेंगे कि इमेजेस कितने टाइप के होते हैं। इमेजेस दो टाइप के होते हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। बस हम लोग सिर्फ अभी इतना जानते हैं कि प्लेन मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ देखो ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने एक कंटिन्यूस लाइन से दिखाया हुआ है, कंटिन्यूस एरो लाइन से दिखाया हुआ है, जिसके जो वर्टिसेस क्या है? ए और बी है, ठीक है। इधर जो इसका इमेज फॉर्मेशन हुआ है वो बिहाइंड द मिरर हुआ है, जो इसका इमेज फॉर्मेशन हुआ है वो बिहाइंड द मिरर हुआ है। उसको हम लोगों ने कैसे दिखाया है? ए डैश और बी डैश से दिखाया है। तो ध्यान रखेंगे जिसके वर्टिसेस हम लोग ए डैश और बी डैश से दिखाएंगे वो सब क्या होंगे? हमारी इमेजेस होंगी। तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनेंगी वो कौन सी इमेज होगी? वर्चुअल इमेज होगी, यानी वो रियल इमेज नहीं होगी। आइए हम लोग बातचीत करते हैं मिरर के दूसरे टाइप्स, यानी स्फेरिकल टाइप के मिरर में। जैसा कि मैंने बताया कि हॉलो स्फेरिकल बॉल का एक सेगमेंट निकाल लेते हैं, उस सेगमेंट के बल्ज आउट सरफेस में या बेंट इन सरफेस में हम लोग पॉलिश कर देते हैं। यदि बल्ज आउट सरफेस में पॉलिश करते हैं तो बेंट इन सरफेस जो होती है वो मिरर की तरीके से, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरीके से बिहेव करने लगती है। जब ऐसा मिरर जिसके बल्ज आउट सरफेस पे कोटिंग कर दी जाए, पॉलिश कर दी जाए और बेंट इन सरफेस मिरर की तरीके से काम करे, तो ऐसे मिरर को हम लोग कॉनकेव मिरर कहते हैं। ऑन अदर हैंड ऐसा मिरर जिसके बेंट इन सरफेस पे पॉलिश कर दी जाए, कोटिंग कर दी जाए, तो उसका बल्ज आउट सरफेस एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरीके से काम करता है, तो ऐसे मिरर को हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। बच्चों जब हम लोग कल
रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था। मैं आपको याद दिला दूं कि दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोगों ने पढ़ रखे थे। पहले लॉ में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दे ऑल लाई इन सेम प्लेन। हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एक ही प्लेन में लाई करते हैं। बच्चों प्लेन जिसमें हमारी ये पूरा वर्ल्ड है, जो हमारी ये दुनिया है, ये थ्री प्लेन्स में है, ठीक है ना। यानी हम लोग कहा जाए तो थ्री डायमेंशंस में है। आई बस समझ में, तो थ्री प्लेन्स में होने का मतलब क्या होता है। एक प्लेन, जैसे हम लोग बातचीत करेंगे, प्लेन के बारे में बातचीत करें, तो इधर देखिए ये एक अलग प्लेन हो गया, ये एक अलग प्लेन हो गया और ये एक अलग प्लेन हो गया। तो ये तीन प्लेन हो गए ना बच्चों। लेकिन हमारे इस लॉ में बताया गया है कि जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होंगे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये क्या होंगे, तीनों एक ही प्लेन में होंगे, कोप्लैनर होंगे, सेम प्लेन में होंगे। आई बस समझ में। और दूसरे लॉ में मैंने ये बताया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोगों ने वहां पे आई से डिनोट कर रखा था और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम लोगों ने वहां पे आर से डिनोट कर रखा था। और हम लोगों ने उस फॉर्मूले में लिखा कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। बच्चों यहाँ पे नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है इसे हम लोग एंगल आई कहते हैं। छोटा सा एंगल मैंने बनाया है एंगल आई, और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम लोग एंगल आर कहते हैं। तो एंगल आई और एंगल आर एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ। मैं बातें इसलिए बता रहा हूँ कि जब कोई लाइट रे परपेंडिकुलरली किसी सरफेस पे इंसिडेंट होती है, जब कोई लाइट रे परपेंडिकुलरली किसी सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो ये अपने ओरिजिनल पाथ को रीट्रेस करती है। आई बस समझ में। जब कोई लाइट रे किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, किसी मिरर के सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो ये अपने ओरिजिनल पाथ को रीट्रेस करती है, यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे खींचे गए नॉर्मल के ऊपर ही ये ओवरलैप करते हुए बाउंसिंग बैक कर जाती है। इस टाइम पे एंगल आई और एंगल आर तो इक्वल होंगे, साथ ही साथ ये जीरो डिग्री के इक्वल भी हो जाएंगे। आई बस समझ में, इतना बात क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग आगे चलते हैं। बच्चों मिरर की टर्मिनोलॉजीज को जानना बहुत जरूरी था, जैसे कि मैंने आपको कुछ मिनट पहले बताया था। तो आइए हम लोग मिरर की टर्मिनोलॉजीज के बारे में जानते हैं। बच्चों ये है हमारा, इधर देख रहे होंगे कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में हमने यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज रखी हैं, लिख रखी हैं। एक सी मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे नीचे लिख रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। एफ लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे नीचे लिख रखा है मैंने फोकस। पी लिख रखा है, यहाँ पे क्या लिख रखा है मैंने पोल। और बाहर वाली जो सरफेस जिसपे मैंने कोटिंग कर रखी है इसको हमने क्या लिखा है बल्ज आउट सरफेस। और जो अंदर वाली जो सरफेस है इसको हम लोगों ने क्या लिखा है बेंट इन सरफेस। इतनी बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी आप सभी को। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि सेंटर ऑफ द कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ द कर्वेचर क्या है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे स्फेरिकल मिरर है ये किसके पार्ट है, एक स्फीयर के पार्ट है। एक स्फीयर क्या होता है, उसमें एक सेंटर होता है। एक सर्कल में भी क्या होता है, एक सेंटर होता है, यानी किसी पॉइंट के अबाउट वो सरफेस क्या होती है मुड़ी हुई होती है। और उस पॉइंट से, उस फिक्स पॉइंट से उस सरफेस की जो बीच की डिस्टेंस होती है उसको हम लोग रेडियस कहते हैं। ध्यान से देखेंगे, इस पॉइंट से और इस सरफेस की जो भी डिस्टेंस होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, आपको पता होगा। और किसी भी स्फीयर के सरफेस पे किसी भी पॉइंट से इस सेंटर की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होती है, रेडियस ही कहलाती है। आई बस समझ में। तो बच्चों जब ये मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उसका जो सेंटर होता है उस
इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ दी कर्वेचर। तो जो सेगमेंट हम लोगों ने कट करके निकाला है बेसिकली है क्या, ये एक कर्वेचर है। तो आइए बच्चों सबसे पहले जो पोर्शन हम लोग कर्वेचर जो मिरर का पार्ट हम लोग अपने पास में रख रखे हैं, इस पार्ट का नाम पहले करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस पार्ट का नाम रख दिया एम एम डैश, और इस वाले पार्ट का हम लोग नाम क्या रख देंगे बच्चों, एन एन डैश। तो इस पार्ट को एम से एम डैश को मिलाता हुआ एक लाइन खींचें, एम से एम डैश को मिलाती हुई एक लाइन खींचें, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अपर्चर कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, हम लोग अपर्चर कहेंगे। तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये दिस इज कॉल्ड व्हाट, अपर्चर, ठीक है ना। इसको हम अपर्चर का दूसरा मतलब भी क्या होता है, साइज ऑफ मिरर, मिरर का साइज डिसाइड करता है अपर्चर। जितना बड़ा अपर्चर होगा उतना बड़ा मिरर होगा, और जितना छोटा अपर्चर होगा उतना छोटा मिरर होगा। आपने देखा होगा डेंटिस्ट एक टाइप का मिरर यूज करते हैं, दांतों के पीछे उस मिरर को रखते हैं और दांतों की इमेज को उस मिरर में देखते हैं, वहां पे वो मैग्नीफाइड इमेज उसको मिलती है। तो डॉक्टर जो उस मिरर का यूज करते हैं वो होती है कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो जो साइज होता है मिरर का वो छोटा होता है, यानी उसका जो अपर्चर होगा वो छोटा होगा बच्चों। और उसी तरीके से रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो रेलवे प्लेटफॉर्म पे भी एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ होता है, उस मिरर से भी जो है जो गार्ड होते हैं, गुड्स गार्ड होते हैं, स्टेशन मास्टर होते हैं, उस मिरर में पैसेंजर को देखते हैं, ट्रेन आ रही किस प्लेटफॉर्म पे उसको देख लेते हैं। तो उस मिरर में जो मिरर का जो साइज होता है वो जाहिर सी बात है बड़ा होता है, यानी उसका अपर्चर भी बड़ा होता है। यानी आप जो देख रहे होंगे जो पोर्शन हमारे पास में एक्सपोज होता है वो उसका अपर्चर होता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी, अब हम लोग आगे चलते। तो बच्चों आते हैं सबसे पहले डिफिनेशन जानते हैं सेंटर ऑफ द कर्वेचर की। इट इज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल ग्लास फ्रॉम विच द सेगमेंट ऑफ स्फेरिकल मिरर इज ऑब्टेन्ड। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी। तो बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, इट इज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, उस स्फेरिकल ग्लास का, उस स्फेरिकल ग्लास का क्या है, ये सेंटर है जिससे हमारा स्फेरिकल मिरर प्राप्त हुआ है, ऑब्टेन किया गया है, पार्टिंग ऑफ किया गया है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ द कर्वेचर कहते हैं। आई बस समझ में। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, इसमें नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो क्या है, पोल। पोल ये किस पे लाई करता है, ये इटसेल्फ मिरर पे ही लाई करता है। तो पोल इसको हम लोग कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। आइए हम लोग पोल की डेफिनेशन जानते हैं। इट इज द सेंटर ऑफ द मिरर, ये किसका सेंटर है, मिरर का सेंटर है। और सी किसका सेंटर था, स्फेरिकल ग्लास का सेंटर था। समझ मेरी बात, स्फेरिकल ग्लास का सेंटर कौन था, कैपिटल सी। और कैपिटल पी किसका सेंटर है, इस मिरर पार्ट का, इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर क्या है, पी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पोल। अब आप देखेंगे ये पोल क्या करता है, इस मिरर को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। जब इसका हम 2D डायग्राम खींचते हैं तो इस 2D डायग्राम में इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी पोल से ऊपर का एरिया एम से लेकर के पी तक, एम से लेकर के पी तक जो कर्व होगा वो क्या होगा, एम पी। ये किसके इक्वल होगा, पी एम डैश, पी एम डैश, यानी यहां से यहां तक का जो कर्व है और यहां से यहां तक का जो कर्व होता है वो इक्वल होता है। यानी पोल इस मिरर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बच्चों ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, सेंटर ऑफ द कर्वेचर और पोल, ये दोनों क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं फोकस की, कि फोकस क्या होता है। ऐसा एज्यूम करते हैं कि मिरर पे आने वाली जो पैरेलल लाइंस हैं, मिरर पे आने वाली जो पैरेलल लाइंस हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती हैं,
उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। यानी ऐसे देखा जाए, जब कोई लाइट रे, जब कोई लाइट रे किसके पैरेलल हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से पास होकर के जाएगी या जिस पॉइंट से कन्वर्ज हो जाएगी, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। आई बस समझ में, ये किस केस में हम कहेंगे इसको, कॉनकेव मिरर के केस में कहेंगे। लेकिन जब हम लोग क्या करें, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बातचीत करें, तो यहां पैरेलल लाइंस क्या हो जाएंगी, मिरर पे इंसिडेंट होने के बाद में डाइवर्ज हो जाएंगी। लेकिन जब इसको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, तो मिरर के पीछे जिस पॉइंट पे आकर के ये प्रिंसिपल एक्सिस पे मीट करती है, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो बच्चों ये पॉइंट क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। तो फोकस ऐसा पॉइंट है, प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करने वाला ऐसा पॉइंट है जिस पे जितनी पैरेलल लाइंस होती हैं, किसके पैरेलल लाइंस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइंस आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज हो जाती हैं और अपीयर्स टू कम फ्रॉम द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। या तो यहां से आती हुई प्रतीत होती हैं। अब आप इधर से देखो, ये लाइन इधर गई, इस पे इंसिडेंट हुई, और इंसिडेंट होने के बाद में क्या हो गई बच्चों, ये रिफ्लेक्ट हो गई। तब इस सेगमेंट को आप ना देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि ये लाइन, ये जो लाइट रे है वो कहां से आ रही है, इस पॉइंट से बाहर की तरफ आ रही है। तो ये पॉइंट जो होगा हमारा क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। आई बस समझ में। तो बच्चों मिरर में सिर्फ एक ही फोकस होता है, लेंस में दो स्फेरिकल सरफेसेस होती हैं, इसलिए वहां पे दो फोकस हो सकते हैं। लेकिन मिरर में सिर्फ और सिर्फ एक यूनिक फोकस होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम लोग फोकस कहते हैं। आई बस समझ में। नेक्स्ट, तो बच्चों आइए हम लोग फोकस की डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट विच ऑल पैरेलल लाइट रेज आर कन्वर्ज्ड। प्रिंसिपल एक्सिस पर स्थित ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर सारी पैरेलल लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल लाइंस मतलब पैरेलल लाइट रेज क्या हो जाती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर प्लेस। इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ध्यान रहे कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रेज होंगी आफ्टर द रिफ्लेक्शन, इस पॉइंट के अबाउट क्या हो जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी, और तब इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। बच्चों यदि हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का केस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और अपीयर्स टू कम फ्रॉम इट, या तो इससे आती हुई प्रतीत होंगी, तो भी हम क्या कहेंगे, इसको फोकस कहेंगे। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस पे इसको हम लोग क्या कहेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस पे स्थित वो पॉइंट जिससे सारी लाइट रेज आती हुई प्रतीत होती हैं, appears to come from that particular point on principal axis is known as focus। ठीक है बच्चों, I think आप लोगों को ये सारा point समझ में आया होगा। अब हम लोग बातचीत करते हैं बच्चों principal axis की। तो ये principal axis एक imaginary line है जो कि pole को, focus को और center of the curvature को क्या करती है, join करती है। एक ऐसी imaginary line जो कि pole को, फोकस को और सेंटर ऑफ द कर्वेचर को ज्वाइन करती है। यानी प्रिंसिपल एक्सिस में ही पोल, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही पोल, फोकस और सेंटर ऑफ द कर्वेचर लाई करते हैं। आपको समझ में आई हो गई
आपको आई होप ये सारा पॉइंट सारी टर्मिनोलॉजीज समझ में आई होगी। तो बच्चों अब हम लोग आगे चलते हैं, साइन कन्वेंशन के बारे में बातचीत करेंगे। तो बच्चों हम लोगों ने जाना सेंटर ऑफ द कर्वेचर जाना, पोल जाना, फोकस जाना, प्रिंसिपल एक्सिस जाना। बच्चों हम लोग जानते हैं फोकल लेंथ और साइन कन्वेंशन। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मिरर पर स्थित इस पॉइंट को जो कि इसका सेंटर होता है मिरर का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। मिरर के सेंटर को हम लोग पोल कहते हैं। पोल और फोकस के बीच की जो दूरी होती है, पोल और फोकस के जो बीच की दूरी होती है, उसको हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं पी एफ से, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। और इसको किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल एफ से। सिमिलरली पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो बीच की दूरी है, इसे हमने कहा क्या कहा है, पीसी कहा है। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो बीच की डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी, पीसी कहलाएगी। इसे हम लोग क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ द कर्वेचर, इस कर्वेचर की रेडियस, जिसे हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों एक बात ध्यान देने वाली बात क्या होती है कि पोल से फोकस की दूरी और फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो बीच की डिस्टेंस होती है, ये दोनों डिस्टेंस क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। यानी पी एफ इज इक्वल टू एफ सी होता है। पी एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एफ सी होता है। पोल से फोकस की दूरी और फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी इक्वल होती है, इसलिए R is equal to हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 into focal length। या focal length निकालना हो तो radius of curvature में 2 से divide कर देंगे तो focal length निकल आएगी। बच्चों हम लोग sine convention के बारे में बातचीत करेंगे। sine convention जो कि इस पूरे reflection topic में एक prominent role play करता है। तो बच्चों आज हम लोग जानते हैं sine convention। मैंने यहाँ पे दो चीजें लिख रखी हैं, एक इधर लिखा है लेफ्ट और इधर लिखा है राइट, और यहाँ पे बनाया है मैंने मिरर। ये बना रखी है मैंने प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। इस पोल से टच करती हुई एक लाइन हम लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये वर्टिकल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, कहाँ पे, पोल पे इंटरसेक्ट करेगी। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट खींची जा सकती है, इसलिए ये वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, वो कहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, पोल पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो बच्चों इस वर्टिकल लाइन के इधर का पोर्शन क्या कहलाएगा, लेफ्ट पोर्शन कहलाएगा, और इससे यहाँ का जो पोर्शन कहलाएगा वो सर राइट पोर्शन कहेंगे। ध्यान रखें कि किसी ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में प्लेस करते हैं, ऑब्जेक्ट को ऑलवेज मिरर के लेफ्ट साइड पे प्लेस करते हैं, आई बस समझ में। और ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ आने वाली जो लाइट रे होती है, ऑब्जेक्ट से जो मिरर की तरफ आने वाली जो लाइट रे होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं,
पॉजिटिव लाइट रे यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवल करने वाली लाइट रे कहते हैं। आई बस समझ में? यानी जो डिस्टेंस किस तरफ मेजर की जाए, लेफ्ट से राइट की तरफ मेजर की जाए, जो डिस्टेंस लेफ्ट से राइट की तरफ मेजर की जाए उस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे? पॉजिटिव डिस्टेंस कहेंगे। जैसा कि बच्चों हमें ये डिस्टेंस मेजर करनी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो जो डिस्टेंस लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हुए मेजर की जाती है ऐसी डिस्टेंस को हम लोग पॉजिटिव डिस्टेंस कहते हैं। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। ऐसी डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे? पॉजिटिव साइन के साथ में पॉजिटिव डिस्टेंस कहेंगे, ठीक है ना। इसके जस्ट अपोजिट बात क्या हो जाती है, यानी राइट से जो डिस्टेंस लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ मेजर की जाएगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? नेगेटिव डिस्टेंस कहेंगे। यानी जो डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ उसके आगे हम लोग माइनस साइन लगा देंगे। आई बस समझ में? और ध्यान रखें कि जो भी डिस्टेंस मेजर की जाएगी वो हमेशा पोल से मेजर की जाएगी। तो पोल क्या हो जाएगा? किसी भी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। तो ऑल द डायरेक्शन शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। तो सारी डायरेक्शन को कहां से मेजर करना पड़ेगा? पोल से मेजर करना पड़ेगा, मेजर करना चाहिए। आई बस समझ में? हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट यहां पे प्लेस है तो यानी पोल से ऑब्जेक्ट की जो बीच की डिस्टेंस होती है, क्या कहते हैं? पोल से जो ऑब्जेक्ट की बीच की डिस्टेंस है, हम लोग कहां से मेजर कर रहे हैं बच्चों? इधर देखें, पोल से यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, ऐसे देखो राइट टू लेफ्ट। तो इससे हम लोग क्या कर रहे हैं? यू कहते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे? यू कहेंगे। मैं यहां पे लिखना चाहता हूं यू क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अब सपोज करिए एज्यूम करिए कि इमेज यहां पे फॉर्म हुई है। हमने क्या एज्यूम किया? कि इमेज जो है वो यहां पे फॉर्म हुई है। और दूसरी केस पे हमने ये एज्यूम किया कि इमेज कहां पे फॉर्म हुई है? यहां पे फॉर्म हुई है। जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा था कि इमेज और ऑब्जेक्ट के लिए नोटेशन ए बी यहां पे क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। और इसके ऊपर जब हम लोग डैश लगा देते हैं तो ये किसके वर्टिसेस बन जाते हैं? इमेज के वर्टिसेस बन जाते हैं। इतनी बात समझ में आई होगी? तो यहां पे मैंने दो कंडीशन ले रखी है कि पहली कंडीशन में इमेज कहां पे फॉर्म हुआ है? मिरर के पीछे फॉर्म हुआ है। पहली कंडीशन में यहां पे जो इमेज फॉर्म हुई है वो मिरर के पीछे फॉर्म हुई है। और दूसरी कंडीशन में यहां पे जो इमेज फॉर्म हुई है वो मिरर के आगे फॉर्म हुई है। तो बच्चों जब इमेज मिरर के सामने फॉर्म हुई हो तो मिरर डिस्टेंस मिरर में हमें क्या करना पड़ेगा कि पोल से
इमेज के बीच की डिस्टेंस को निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पोल से इमेज की बीच की डिस्टेंस को निकालना पड़ेगा। और इमेज डिस्टेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं बच्चों? वी से डिनोट करते हैं। तो इमेज को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? वी से डिनोट करते हैं। और वी इसको हम लोग क्या कहते हैं? इमेज, इमेज डिस्टेंस। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों इसको? हम लोग क्या कहते हैं? इमेज डिस्टेंस। और इमेज डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? वी से डिनोट करते हैं। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? यू से डिनोट करते हैं। आई बस समझ में? तो दूसरे वाले केस में जो हमने इमेज डिस्टेंस मेजर की है, कहां से मेजर की है? पोल से मेजर की है। क्यों पोल से मेजर की है? क्योंकि ऐसा हमारा साइन कन्वेंशन कहता है कि सारी की सारी डिस्टेंस पोल से मेजर की जानी है। पोल हमारा किसी भी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए रेफरेंस पॉइंट है। तो एक इमेज यहां पे बनी थी, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस थी वो हमने कवर की है, उसको हमने किससे डिनोट किया है? वी से डिनोट किया हुआ है। आई बस समझ में? दूसरी बात, इमेज मैंने यहां पे सपोज किया है पहले वाले केस में कि ये मिरर के पीछे बनी है इमेज, और इस कंडीशन में पोल से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो भी क्या कहलाएगी? वी कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों? वी कहलाएगी। ये भी क्या कहलाएगी? वी कहलाएगी। अब ये देखिए, हमारे पास में इमेज डिस्टेंस हमने दो तरीके से मेजर की है। पोल से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ और पोल से राइट हैंड साइड की तरफ। तो मैंने आपको बताया था जो डिस्टेंस राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, राइट हैंड साइड से लेकर के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो डिस्टेंस मेजर की जाती है वो डिस्टेंस क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाएगी। तो इस कंडीशन में जो इमेज डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी? माइनस वी हो जाएगी। बच्चों ध्यान रखें, मैंने आपको प्रीवियस केस में क्या बताया था? जो डिस्टेंस लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ मेजर की जाएगी वो डिस्टेंस क्या होगी? पॉजिटिव डिस्टेंस होगी। तो बच्चों यहां से जब आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो लेफ्ट से कहां मूव कर रहे हो? राइट साइड की तरफ मूव कर रहे हो। कहां से मूव कर रहे हो? लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव कर रहे हो। तो इस कंडीशन में जो आपने इमेज डिस्टेंस मेजर की है, ये वाला जो वी होगा वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और जो ये वाला वी है, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ मेजर किया गया है, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ मेजर किया गया है, तो ये वाला जो वी होगा वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब आप लोगों को ये बात, बच्चों आप लोग पूछोगे कि सर ये बताइए कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? तो मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑलवेज मिरर के लेफ्ट साइड में प्लेस किया जाएगा। तो मिरर हमारा ये है और मिरर का लेफ्ट साइड ये है। ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस किया जाएगा? मिरर के लेफ्ट साइड में प्लेस किया जाएगा। और किसी भी डिस्टेंस को मेजर करने का जो रेफरेंस पॉइंट है वो क्या है? हमारा पोल है। तो पोल से किस तरफ हम लोग मेजर करने जा रहे हैं? राइट से लेफ्ट की तरफ मेजर करने जा रहे हैं। इसलिए जो डिस्टेंस राइट से लेफ्ट की तरफ मेजर की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? नेगेटिव डिस्टेंस कहते हैं। तो इसलिए सारे केसेस में जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो ऑलवेज नेगेटिव होगा। वो क्या होगा बच्चों? ऑलवेज नेगेटिव होगा। तो यू होगा इस ऑलवेज नेगेटिव होगा। तो यू क्या होगा हमारा? ऑलवेज नेगेटिव होगा। आई बस समझ में? लेकिन वी जो है हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है। वी क्या होगा हमारा? पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। वी हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन यू जब होगा तो ऑलवेज और ऑलवेज नेगेटिव ही होगा। आई बस समझ में? वी पॉजिटिव कब होगा? जब इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी। कहां बनेगी इमेज? बिहाइंड द मिरर बनेगी।
तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा इमेज डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जब हमारी इमेज क्या बने, इन फ्रंट ऑफ दी या जस्ट बिफोर दी, क्या बने, मिरर बने, यानी मिरर के सामने बने इमेज, तो इमेज क्या हो जाएगी हमारी, नेगेटिव बन जाएगी, ठीक है ना। देन व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज इज फॉर्म्ड बिफोर दी मिरर, जब इमेज हमारी कहां बनेगी बच्चों, मिरर के सामने बनेगी, ऐसी कंडीशन में जो हमारी इमेज डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव होगी। तो मैंने आपको बताया कि इमेज डिस्टेंस कितने टाइप की हो सकती है, दो टाइप की हो सकती है, पॉजिटिव इमेज डिस्टेंस और नेगेटिव इमेज डिस्टेंस। लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज एंड ऑलवेज नेगेटिव होगी, इज इट क्लियर। तो बच्चों ये वाला सेगमेंट हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं यहाँ पे, और इसके आगे हम लोग इसके रिफ्लेक्शन के और केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो और केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, एक मिनट के लिए इसको आप देख लो, समझ लो। आई थिंक सबने नोट कर लिया होगा, देख लिया होगा, समझ लिया होगा। तो बच्चों इसको आप लोग अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे, और जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है, जिस सीक्वेंस में पढ़ाया है नोट्स में, उसी सीक्वेंस में इसको आप बनाते चले जाएंगे। इसके आगे का सेगमेंट अभी मैं इसको कंप्लीट करने जा रहा हूँ, इसके आगे का सेगमेंट बोर्ड को साफ क्लीन करने के बाद में इसके आगे का सेगमेंट हम लोग स्टार्ट करेंगे। आइए हम लोग पढ़ते हैं कॉन्केव मिरर से कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। तो कॉन्केव मिरर में से, कॉन्केव मिरर की सहायता से कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, आइए हम लोग इस सेगमेंट में देखते हैं। और उसको देखने से पहले, इन केसेस को पढ़ने से पहले, आइए हम लोग कुछ रूल्स जानते हैं। वो रूल्स हैं क्या, रूल्स फॉर रे डायग्राम्स। तो रूल नंबर वन, जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये कहां से पास होकर के जाएगी, फोकस से पास होकर के जाएगी। तो बच्चों जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, तो मिरर पे इंसिडेंट होने के बाद ये रिफ्लेक्ट होती है, और आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास होकर के जाती है। ये पहला रूल है हमारा। दूसरा, जब कोई लाइट रे फोकस से पास होकर के जाए, जब कोई लाइट रे फोकस से पास होकर के जाए और मिरर पे इंसिडेंट हो, देन आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। आप यहाँ पे क्लियर देख सकते होंगे कि ये जो लाइट रे है ये किसके पैरेलल हो गई है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई है। मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल तीनों को ज्वाइन करती है। तो ये लाइन किसके पैरेलल हो जाएगी, इस प्रिंसिपल एक्सिस के, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। आई बस समझ में बच्चों। नेक्स्ट रूल नंबर थर्ड, जब कोई लाइट रे डायरेक्टली पोल पे इंसिडेंट होती है, जब कोई लाइट रे डायरेक्टली पोल पे इंसिडेंट होती है, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये बाउंसिंग बैक करती है सेम मीडियम के लिए। साथ ही साथ इस कंडीशन में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यानी सीपी, रेडियस ऑफ कर्वेचर वो क्या होती है, यहाँ पे सीपी वो किस पे परपेंडिकुलर होती है, पॉइंट पी पे खींचे गए किसी टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। कोई भी सर्किल की रेडियस सर्कमफेरेंस पे खींची गई टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे देखो ये जो सीपी होगा ये नॉर्मल की तरीके से बिहेव करेगा, और जो ये पॉइंट पी होगा ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा। तो यहाँ पे
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन 100% फॉलो होगा। उसका सेकंड लॉ क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, आप लोगों को याद आया होगा। इसलिए इस कंडीशन में एंगल आई एंगल आर के इक्वल हो जाएगा। अब बच्चों आते हैं रूल नंबर 4। तो जब कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर के जाती है, जब कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर के जाती है और किसी मिरर के और मिरर के किसी भी पॉइंट पर इंसिडेंट होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये सेम मीडियम को लौट जाती है सेम पाथ को फॉलो करते हुए, सेम मीडियम को लौट जाती है सेम पाथ को फॉलो करते हुए। ऐसा क्यों होता है बच्चों? ऐसा इसलिए होता है कि मैंने आपको बताया कि ये जो रेडियस, ये जो पॉइंट है सी, और यहाँ पे कोई पॉइंट मैंने ले लिया एफ ले लेते हैं, कोई सी एफ हो गया, तो सी एफ क्या हो जाता है बच्चों, ये आर हो जाएगा। तो एफ पे खींची गई कोई टेंजेंट इस आर पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो जब कोई लाइट रे, मैंने आपको बताया था, किसी सरफेस पे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होती है तो नॉर्मल को फॉलो करते हुए, नॉर्मल के ऊपर ओवरलैप करते हुए अपने पाथ को रीट्रेस करती है। इसके जस्ट कुछ मिनट पहले इसी लेक्चर में मैंने आपको बताया है। तो अपने पाथ को रीट्रेस करते हुए सेम मीडियम को ये बाउंसिंग बैक कर जाएगी, सेम मीडियम की तरफ ये टकरा करके वापस लौट जाएगी। तो बच्चों ये चार रूल एक बार फिर से मैं रिवाइज कराऊंगा कि जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास होकर के जाती है, रूल नंबर 1। जब कोई लाइट रे फोकस से पास होकर के जाती है और फोकस से पास होकर के जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, रूल नंबर 3। जब कोई लाइट रे पोल पे इंसिडेंट होती है, जब कोई लाइट रे पोल पे इंसिडेंट होती है तो सेम मीडियम की तरफ बाउंसिंग बैक करती है, साथ में इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, ध्यान रहेगी बात। फिर बच्चों हम यहाँ पे आ जाते हैं रूल नंबर 4 पे। जब कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर के मिरर के किसी भी पार्ट पर इंसिडेंट होती है तो सेम पाथ को रीट्रेस करते हुए सेम मीडियम को बाउंसिंग बैक कर जाती है, यानी लाइट जो होती है सेम पाथ को फॉलो करते हुए सेम पाथ लाइट रे को ओवरलैप करते हुए सेम मीडियम को टकरा करके वापस लौट जाती है। बच्चों कॉनकेव मिरर में हमें 6 केसेस पढ़ने हैं। 6 केसेस में कौन कौन से केसेस होंगे, ये पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट होगी, ठीक है ना, और ये कौन सा केस होगा हमारा, कॉनकेव मिरर का केस होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बच्चों उसमें पहला केस क्या होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस हो, इंफिनिटी पे प्लेस हो। तो अब बच्चों यहां पे क्वेश्चन अराइज होता है कि ये इंफिनिटी इसका मतलब क्या होता है, यहां पे क्या इन्फिनिटी हमारी इस ब्रह्मांड से दूर, हमारे यूनिवर्स के दूर, हमारी पृथ्वी से बाहर कोई पॉइंट है इन्फिनिटी, जिसे हम लोग इन्फिनिटी कहते हैं अक्सर अपनी आम बोलचाल की भाषा में। लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं कि ऐसी डिस्टेंस, जिस ऐसा पॉइंट जिसकी एग्जैक्ट डिस्टेंस या उसकी एग्जैक्ट लोकेशन हम लोग नहीं जानते हैं, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, इन्फिनिटी कहते हैं। फिर से बच्चों एक बार बताना चाहता हूं कि एक ऐसा पॉइंट हमारी यूनिवर्स में, एक ऐसा पॉइंट चाहे वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर हो, ठीक है ना, हमारे आसपास वो पॉइंट हो, लेकिन जिसकी एग्जैक्ट लोकेशन हम नहीं जानते हैं या उस इंस्टेंटेनियस टाइम में उसकी एग्जैक्ट डिस्टेंस को हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, तो उस पॉइंट से और जहां तक हम, जहां पे हमें वो डिस्टेंस काउंट करनी है, मेजर करनी है, रेफरेंस पॉइंट तक की बीच की डिस्टेंस को हम लोग इंफिनिटी मानते हैं। आई बस समझ में, तो इंफिनिटी कैसे डिस्टेंस होती है, अननोन डिस्टेंस को, सिंपली कहा जाए अननोन डिस्टेंस को हम लोग इंफिनिटी कह देते हैं। समझ में आई होगी बात, नेक्स्ट आगे चलते हैं।
when object is placed beyond center of the curvature. तो ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस हो, बियॉन्ड दी सेंटर ऑफ कर्वेचर हो. पॉइंट नंबर थर्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस हो. पॉइंट नंबर फोर्थ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में प्लेस हो. बच्चों ये हमारा पांचवा पॉइंट होगा. पांचवा पॉइंट क्या होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट फोकस, ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे फोकस होगा, कहां पे प्लेस होगा, फोकस पे प्लेस होगा. नेक्स्ट बच्चों, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट फोकस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस होगा, फोकस और पोल के बीच में. व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, ठीक है ना बच्चों. तो आइए हम लोग देखते हैं, पहले नंबर केस पे देखते हैं. बच्चों ध्यान देंगे कि पोल से जो फोकस की डिस्टेंस होगी, यहाँ पे देखो हमने क्या ले रहे हैं बच्चों, फोकस ले रहे हैं, तो फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस होगी वो सेम होगी. यहाँ पे हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे हो गया पोल, और यहाँ पे हो गया फोकस, और यहाँ पे क्या हो गया, पोल. अब मुझे ये बताओ क्या ये मिरर है? नहीं बच्चों, ये मिरर नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता रखा था मिरर की डिफिनेशन में कि मिरर में एक साइड में पॉलिश होगी और एक साइड में पॉलिश नहीं होगी. तो इस साइड में पॉलिश नहीं है तो यहाँ पे पॉलिश कर देंगे. अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पे क्यों पॉलिश करेंगे, क्योंकि हमें बल्ज आउट सरफेस पे पॉलिश करेंगे ताकि हमारी बेंट इन सरफेस वो क्या बन जाए, मिरर बन जाए. तो बच्चों ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया हमारा फोकस, ये हो गया हमारा पोल. ये जो डिस्टेंस होगी बियॉन्ड, ये जो डिस्टेंस होगी, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, बियॉन्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पार. ये जो डिस्टेंस होगी इसे हम लोग क्या कहेंगे, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस. इसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, इस डिस्टेंस को बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस. यहाँ पे बच्चों मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, सिर्फ मैं सी एंड एफ लिख दे रहा हूँ. आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. अब बच्चों आगे चलते हैं. ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस. और फोकस और पोल के जो बीच की डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन फोकस एंड पोल, ठीक है बच्चों. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, और इस बियॉन्ड कंडीशन के बाद जो भी हमारा पॉइंट होता है जिसकी डिस्टेंस हमें पता नहीं है, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, इन्फिनिटी कहेंगे. तो हमारा ऑब्जेक्ट किसी अननोन पॉइंट पे यहां कहीं प्लेस होगा तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, इन्फिनिटी कहेंगे, ठीक है ना. दूसरे वाले पॉइंट पे,
जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस होगा, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के इधर उधर, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर के इधर, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। थर्ड पॉइंट पे आ जाओ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे प्लेस होगा, जस्ट एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट पे क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन सी एंड एफ, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस होगा, इस डिस्टेंस के बीच में यहाँ कहीं भी प्लेस हो सकता है। आई बस समझ में। फिर नेक्स्ट हमारी कंडीशन क्या आ जाती है कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे प्लेस होना चाहिए, फोकस पे प्लेस होना चाहिए। और नेक्स्ट हमारी कंडीशन क्या जाती है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस होना चाहिए, फोकस एंड पोल के बीच में, कहीं इस बीच में लाई करना चाहिए। आई बस समझ में। तो ये हमारी छह कंडीशंस हैं, इन सारी छह कंडीशंस को हम लोग पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे। अभी हम लोग इसको पहले रब करने जा रहे हैं, इसको क्लीन करेंगे, उसके बाद अगला ये सारे सिक्स केसेस डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आइए बच्चों, कॉनकेव मिरर के केस में कैसे कैसे इमेज फॉर्म होगी, यानी इमेज फॉर्मेशन के जो केसेस हैं वो हम लोग पढ़ते हैं। हर एक केस को बहुत ही ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे हम लोग, उसको एक्सप्लेन करेंगे और हर एक चीज़ के बारे में समझेंगे। तो बच्चों आप लोग जैसे देख रहे होंगे हमारे इस ब्लैक बोर्ड पे दो केसेस लिखे हुए हैं। ये केसेस किसके हैं, कॉनकेव मिरर के केसेस हैं। पहला केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे प्लेस हो, इंफिनिटी पे प्लेस हो, यानी ऑब्जेक्ट ऐसी जगह पे प्लेस है जहाँ से उस मिरर तक की जो डिस्टेंस है वो हम लोगों को एग्जैक्टली पता नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इन्फिनिटी शब्द का प्रयोग किया हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में दो पैरेलल लाइंस आएंगी, किसे आएंगी, ऑब्जेक्ट से आएंगी। ये दोनों पैरेलल लाइंस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भी हो सकती हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन ये क्या करेंगी, कहाँ पे आके मीट करेंगी, फोकस पे आकर के मीट करेंगी, और फोकस पे आकर के एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रे जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वहीं पे उसका इमेज फॉर्मेशन होता है। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जब ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेस जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, उसी पॉइंट पे इमेज फॉर्मेशन होता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि इन्फिनिटी से दो लाइन आई हुई हैं, ये दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पे पैरेलल लाइंस क्यों हैं, क्योंकि इन्फिनिटी से जो भी लाइन आएंगी वो एक दूसरे के पैरेलल ही होंगी, ठीक है, ऐसा हम लोगों की मैथमेटिक्स कहती है और ऐसा हम लोग एज्यूम भी करते हैं। तो ये दोनों पैरेलल लाइंस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भी हो सकती हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं भी हो सकती हैं। मैंने वो केस लिया है जिसमें ये दोनों लाइनें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, एंड आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये दोनों लाइनें कहाँ पे आकर के मीट कर रही हैं, फोकस पे आकर के मीट कर रही हैं। इसका मतलब फोकस पे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, फोकस पे आकर के ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसलिए इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगा बच्चों, फोकस पे होगा। तो आइए हम लोग जानते हैं कि नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा। तो साइज ऑफ द इमेज, इमेज की साइज क्या होगी, हाईली डायमेंशनल, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होगा, उसके कंपैरिजन में जो हमारी इमेज होगी बहुत ही ज्यादा छोटी होगी। नेक्स्ट पोजीशन एट फोकस, पोजीशन क्या होगी, फोकस पे, किसकी पोजीशन, पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज की पोजीशन कहाँ पे होगी, फोकस पे होगी। बच्चों आते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट पे, इमेज इज रियल, तो इमेज क्या होगी, रियल होगी। बच्चों जब किसी स्क्रीन के ऊपर या स्क्रीन के सामने इमेज फॉर्मेशन हो, जब किसी स्क्रीन के ऊपर सामने इमेज फॉर्मेशन हो, तो उस इमेज को हम लोग रियल इमेज कहते हैं। हम लोग मूवी थिएटर में जाते हैं और मूवी देखते हैं, वहाँ पे जो पिक्चर के मतलब मूवी थिएटर में जो पर्दा लगा हुआ होता है, उस पर्दे में जो हमें इमेज दिखाई पड़ती है, जो वीडियो चल रही होती है, वो रियल इमेज होती है। आई बस समझ में। एक और दूसरे तरीके से समझते हैं बच्चों, रियल इमेज की एक खास विशेषता क्या होती है कि उस पर लैटरल इन्वर्जन नहीं होता है। लैटरल इन्वर्जन ये हम लोग इसी चैप्टर में आगे की तरफ पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं,
लैटरल इन्वर्जन में क्या होता है कि चीज़ें अबाउट वर्टिकल एक्सिस फ्लिप हो जाती हैं, यानी उल्टी हो जाती हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड होता है इमेज ऑब्जेक्ट का, वो इमेज में राइट हैंड साइड बन जाता है। ऑब्जेक्ट का जो राइट हैंड साइड होता है वो इमेज का लेफ्ट हैंड साइड बन जाता है। आई बस समझ में? तो बच्चों जाहिर सी बात है कि जब ये मिरर के सामने इमेज बन रही है तो क्या होगी, रियल इमेज होगी। और ये और दूसरी बात, इमेज क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, इमेज कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी। आई बस समझ में? सीधी इमेज नहीं बनेगी। बच्चों हम लोग दूसरे केसेस के बारे में जानते हैं। ये दूसरा केस क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ द कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस हो, बियॉन्ड सेंटर ऑफ द कर्वेचर प्लेस हो। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे बच्चों सेंटर ऑफ द कर्वेचर ये है और इसके बियॉन्ड ऑब्जेक्ट हमारा प्लेस है। अब यहाँ से दो लाइन, एक लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई। तो बच्चों मैंने आपको बता रखा था कि जब भी कोई लाइन यानी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होकर के जाएगी। आई बस समझ में? दूसरी लाइट रे कहाँ से पास होकर के जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर के जाएगी। तो दूसरी लाइट रे जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर के जाएगी तो अपने ओरिजिनल पाथ को रिट्रेस करते हुए सेम मीडियम को लौट जाएगी आफ्टर द रिफ्लेक्शन, आफ्टर द स्ट्राइकिंग ऑन द सरफेस ऑफ मिरर। इतनी बात समझ में आई? तो ये जो हमारी लाइट रे टकरा करके वापस लौट रही है, यानी रिफ्लेक्टेड लाइट रे जो इसमें लौट रही है वापस, और यहाँ से जो ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, ये जब दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेस एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट पे इमेज फॉर्मेशन होगा। समझ में आ रही बात? मैं क्या बता रहा हूं, जहां पे रिफ्लेक्टेड, ध्यान रखेंगे एक एक टर्म का, रिफ्लेक्टेड लाइट रेस जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड लाइट रेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे क्या होगा, हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा। तो बच्चों मैंने आपको प्रीवियस केस में बताया था कि किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ए बी से डिनोट करते हैं। ये क्या हुआ हमारा ऑब्जेक्ट ए बी, और ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश मतलब ए के ऊपर डैश लगा दें और बी के ऊपर डैश लगा दें, ये हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। बच्चों हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं और आगे समझते हैं कि नेचर ऑफ द इमेज क्या होगी, इमेज का नेचर कैसा होगा। तो पहला क्या है, साइज, इमेज की साइज कैसी है, साइज ऑफ द इमेज डायमेंशन। इसमें क्या थी, हाईली डायमेंशन थी, इसमें बहुत ज्यादा छोटी थी, इसमें क्या होगी, डायमेंशन छोटी होगी। हाईली डायमेंशन मतलब बहुत छोटा होना, और डायमेंशन मतलब क्या होता है, छोटा होना। नेक्स्ट पॉइंट, पोजीशन बिटवीन सेंटर ऑफ द कर्वेचर एंड फोकस। तो पोजीशन क्या होगी, बिटवीन सेंटर ऑफ द कर्वेचर एंड फोकस। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों बात करेंगे, इमेज इज रियल, इमेज रियल होगी क्योंकि आप देख रहे होगी इंटरसेक्शन कहाँ पे हुआ है, मिरर के सामने हुआ है, इसलिए इमेज क्या हो जाएगी, रियल हो जाएगी। तो रियल इमेज में क्या होगा, जनरली लैटरल इन्वर्जन नहीं होता है। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बातचीत करेंगे, इमेज इज इन्वर्टेड। आप देख रहे होंगे कि यहाँ देखो हेड क्या है, ए है, टेल क्या है, बी है। यहाँ पे हेड क्या हो गया, नीचे हो गया, टेल क्या रह गया, ऊपर हो गया, यानी पूरी की पूरी इमेज क्या हो गई, एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट उल्टी हो गई है। आई बस समझ में? इतना क्लियर हो गया? तो बच्चों अभी हम लोगों ने ये दो केस पढ़ा है, इसके चार केसेस और पढ़ते हैं। पहला केस, दूसरा केस हम लोग डिस्कस कर चुके थे। पहले केस में क्या था कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इन्फिनिटी, और दूसरा केस क्या था कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट सेंटर ऑफ द कर्वेचर। तो ये दो केस हमारे खत्म हो चुके थे। अब हम लोग तीसरे केस पे आते हैं। पहला, तीसरा केस हमारा क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट सेंटर ऑफ द कर्वेचर, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस है, सेंटर ऑफ द कर्वेचर पे प्लेस है, यानी ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ द कर्वेचर पे प्लेस है। यहाँ से लाइट रे आएंगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होकर के जाएगी। दूसरी लाइट रे कहाँ से निकलेगी, इसके हेड से निकलेगी, फोकस से पास होते हुए जाएगी। हमें पता है कि जो लाइट रे फोकस से पास होकर के जाती है आफ्टर द रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के
पैरेलल हो जाती है, तो ये दोनों रिफ्लेक्टर लाइट रे एक दूसरे को क्या करेंगी, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी और यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है कि इमेज कहाँ बनेगा, वहीं पे बनेगा जहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा प्लेस है, और वो जगह कौन सी है, सेंटर ऑफ द कर्वेचर है। आइए हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ द इमेज। पहला क्या होगा, साइज ऑफ द इमेज। तो साइज ऑफ द इमेज क्या है, सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जैसे कि ऑब्जेक्ट की साइज है वैसी ही इमेज की साइज है। नेक्स्ट बच्चों में बातचीत करते हैं पोजिशन, एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। पोजिशन कहाँ पे है, सेंटर ऑफ द कर्वेचर पे इसकी पोजिशन है। बच्चों थर्ड नंबर पॉइंट पे आते हैं हम लोग, इमेज इज रियल। तो जाहिर सी बात है कि इमेज कहाँ बन रही है, हमारे मिरर के सामने बन रही है, तो इमेज क्या हो जाएगी, हमारी रियल हो जाएगी। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों, तो इमेज क्या हो जाएगी हमारे यहाँ पे, इन्वर्टेड, जो कि उल्टी दिखाई पड़ रही है। बच्चों हम लोग यहाँ पे साइन कन्वेंशन की बात करें तो यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, और वी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आई बस समझ में। और यहाँ पे वी की, यू की जो वैल्यू है वो आर के इक्वल हो जाएगी, और सेम वी की जो वैल्यू है वो भी आर के इक्वल हो जाएगी। आई बस समझ में। यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर के आगे माइनस लगा दें तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये क्या हो जाएगा, हमारा इमेज डिस्टेंस। इतनी बार समझ में आ गई बात बच्चों। नेक्स्ट फोर्थ नंबर केस पे आते हैं हम लोग, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ द कर्वेचर एंड फोकस। ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस हो, हमारा सेंटर ऑफ द कर्वेचर और फोकस के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस हो। यहाँ से दो लाइट रे आएगी, पहली लाइट रे क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होकर के जाएगी। आई बस समझ में। दूसरी लाइट रे क्या होगी, दिस लाइट रे दैट, ये जो लाइट रे होगी ये किससे अपीयर्स टू कम फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। जब कोई लाइट रे सेंटर ऑफ द कर्वेचर से पास होते हुए, इस ऑब्जेक्ट के हेड से पास होते हुए कहाँ जाएगी, मिरर पे अगर कोई इंसिडेंट होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम पाथ को फॉलो करते हुए, सेम पाथ को रिट्रेस करते हुए, ये वापस सेम उसी मीडियम को लौट जाएगी। हम देखेंगे ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे और ये है रिफ्लेक्टेड लाइट रे, एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, बियॉन्ड दी सेंटर ऑफ द कर्वेचर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे नेचर ऑफ द इमेज क्या है। तो साइज ऑफ द इमेज क्या होगी, इनलार्ज होगा। पोजीशन क्या होगी, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बनेगा इमेज हमारा। और इमेज क्या होगी, रियल होगी, क्योंकि ये मिरर के सामने बनी है इसलिए रियल होगी। और इमेज इज इन्वर्टेड, तो इमेज क्या होगी, हमारी इन्वर्ट होगी। बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे चार केस कंप्लीट किए, एक बार आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हम लोग दूसरे के दो केसेस और कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों हम लोगों ने चार केसेस अपने कंप्लीट किए, आइए हम लोग पांचवे केस पे आते हैं। ये हमारा केस क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट फोकस, जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे प्लेस हो, तब एक लाइट रे क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई दिखाई पड़ेगी, जो किसी ऑब्जेक्ट के हेड से निकलेगी और कहां पे इंसिडेंट होगी, मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, और फिर उसी पाथ को रिट्रेस करते हुए लौट जाएगी। फिर दूसरी लाइट रे क्या होगी, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। जैसे आपको पता है कि कोई लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास होकर के जाती है, और आप लोग देख रहे होंगे कि ये दोनों लाइट रे एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो आपको पता है मैथमेटिक्स में जब दो लाइट रे एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो वो कहाँ पे जाकर के मीट करती हैं, इन्फिनिटी पे जाकर के मिलती हैं। जब दो लाइट रे पैरेलल होती हैं तो वो इन्फिनिटी पे जाकर के एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं। तो जब वो इन्फिनिटी पे जाकर के इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी में बनेगी। तो बच्चों आइए हम लोग नेचर ऑफ द इमेज देखते हैं। तो साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, हाईली इनलार्ज होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में जो इमेज बनेगी वो बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, इसलिए यहाँ पे क्या टर्म यूज किया हम लोगों ने, हाईली इनलार्ज। पोजिशन देखिए, पोजीशन क्या होगी, एट इन्फिनिटी, जो इमेज कहाँ बनेगी, हमारी इन्फिनिटी पे बनेगी। नेक्स्ट बच्चों अब आइए बात करते हैं, इमेज क्या होती है, रियल होगी वहाँ पे, क्योंकि मिरर के सामने बन रही है तो इमेज क्या होगी, वहाँ पे रियल होगी। नेक्स्ट बच्चों इमेज क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। तो जो इमेज हमें उस टाइम पे मिल रही होगी जब ऑब्जेक्ट फोकस पे प्लेस होगा, तो इमेज क्या होगी, इन्वर्टेड होगी।
आइए बच्चों, अब हम लोग ये सिक्स केस है जो कि लास्ट केस है कॉनकेव मिरर का। इस सिक्स केस में वन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। बच्चों एक बात आपको और बतानी थी कि इस केस में जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो नेगेटिव होगा, इमेज डिस्टेंस है वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, माइनस फोकल लेंथ के इक्वल होगा। इमेज डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, माइनस इंफिनिटी के इक्वल होगा। तो बच्चों आइए हम लोग बातचीत करते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, किसके किसके बीच में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लेस है, फोकस एंड पोल के बीच में प्लेस है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा पॉइंट है दिस इज कॉल्ड व्हाट, फोकस। फोकस और पोल के बीच में ये हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस है। यहां से एक लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, आफ्टर द रिफ्लेक्शन फोकस पॉइंट से पास होकर के जाती है। तो आप देख रहे होंगे कि ये फोकस से पास होकर के जा रही है। दूसरी लाइट रे क्या होगी, जो इस सेंटर पॉइंट से आती हुई इसके हेड को टच करती हुई कहां पे आकर के इंसिडेंट होगी, इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आकर के इंसिडेंट होगी। हमें पता है कि जब कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए पहुंचती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम पाथ को रीट्रेस करते हुए वो वापस लौट जाती है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, ये दोनों लाइंस क्या है, डाइवर्जिंग लाइन है। कैसी लाइन है बच्चों, डाइवर्जिंग लाइंस है, ठीक है ना, डाइवर्जिंग रेज है। तो डाइवर्जिंग रेज क्या इंफिनिटी पे मिलती है, नहीं, डाइवर्जिंग रेज इंफिनिटी पर भी नहीं मिलती है। तो कहाँ मिलती है, तो इन लाइट रेस को जब हम पीछे की तरफ हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, तो ये पीछे की तरफ आकर के एक दूसरे को कट करेंगी। तो ये रियल में तो एक दूसरे को कट कर नहीं रही है, ये दूसरे को वर्चुअली कट कर रही है, यानी इमेजिनरी कट कर रही है, वास्तव में नहीं कट कर रही है, ये एक दूसरे को अवास्तविक रूप से कट कर रही है। तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन होगा, बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्मेशन होगा। तो बच्चों इस केस में जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो मिरर के सामने होगा और जो इमेज होगी वो मिरर के पीछे होगी। और इमेज देख रहे होंगे कि इमेज यहाँ पे सीधी बनी हुई है, लेकिन बाकी सारे पांच केसेस में इमेज क्या बनी, उल्टी बनी। आइए हम लोग बातचीत करते हैं कि नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा। साइज ऑफ द इमेज इनलार्ज होगा, इसके कंपैरिजन में क्या है, इनलार्ज है, बड़ा है, ठीक है ना। नेक्स्ट पोजिशन क्या होगी, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रही है। नेक्स्ट इमेजेस वर्चुअल और इमेजनरी, तो इमेज क्या होगी, वर्चुअल होगी और इमेजनरी होगी। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे इमेजेस इरेक्ट, तो हम लोगों ने इसके छह केसेस पढ़े जिसके पांच केसेस में इमेज क्या थी, इन्वर्टेड थी। मात्र सिर्फ एक ये केस होता है जहां पे ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में प्लेस होता है, इस मात्र एक केस में जो हमारा इमेज होता है वो इरेक्ट होता है, बाकी पांच केसेस में इमेज क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। मैं एक बार से फिर से रिपीट कर रहा हूं कि कॉनकेव मिरर के सिक्स केसेस में से पांच केसेस में जो इमेज होती है वो इन्वर्टेड होती है, और सिर्फ इसी केस में इमेज जो होती है वो इरेक्ट होती है। इरेक्ट मतलब सीधी बनती है। आई बस मन बच्चों आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने पढ़ा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। बच्चों कॉनकेव मिरर के सिक्स केसेस हम लोगों ने पढ़े। अब बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है, आइए हम लोग देखते हैं। बच्चों कॉनकेव मिरर में सिक्स केसेस थे, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो केसेस हैं। ये कौन से दो केसेस हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस है, इंफिनिटी में प्लेस है। नेक्स्ट दूसरा केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिफोर मिरर, और ऑब्जेक्ट कहां प्लेस है, मिरर के जस्ट सामने प्लेस है। जैसा कि आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर एक ऐसा मिरर है जिसकी बेंट इन सरफेस पे कोटिंग की जाती है और इसकी बल्ज आउट सरफेस मिरर के तरीके से काम करती है। यानी बच्चों एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ द कर्वेचर फोकस मिरर के पीछे होते हैं,
सेंटर ऑफ द कर्वेचर, फोकस मिरर के पीछे होते हैं, ये मिरर के आगे नहीं होते हैं। लेकिन कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ द कर्वेचर, फोकस मिरर के सामने होते हैं। तो ये डिफरेंस मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बच्चों अब हम लोग जो पढ़ने वाले थे क्या, इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। इसमें दो केसेस में, पहले केस में हम लोग पढ़ेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस हो, इंफिनिटी पे प्लेस हो। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे प्लेस होता है तो दो पैरेलल लाइंस आती हैं। दो पैरेलल लाइंस जब इस कॉन्वेक्स मिरर पे इंसिडेंट होती हैं तो क्या कर जाती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं। इस वजह से बच्चों कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। आई बात समझ में, ये लाइट रे को क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। अब जब लाइट रे क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई, तो आपको पता है कि डाइवर्ज रिफ्लेक्टेड लाइट रे इंफिनिटी पे भी नहीं मीट करेंगी। जब वो इंफिनिटी पे भी नहीं मीट करेंगी तब ये सवाल यहाँ पे उठता है कि आखिर इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगा। तो बच्चों इन लाइट रेज को पीछे की तरफ हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे, तो ये क्या करेंगी, वर्चुअली एक दूसरे को बिहाइंड द मिरर फोकस पे कट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। यानी बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर एट फोकस इमेज फॉर्मेशन होगा। तो आइए बच्चों नेचर ऑफ द इमेज पढ़ते हैं। पहला क्या है, साइज क्या होगा इमेज का, हाईली डैमेज्ड। इमेज का जो साइज होगा वो बहुत ही ज्यादा छोटा होगा। नेक्स्ट बच्चों हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन। पोजीशन क्या होगी, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे उसकी पोजीशन होगी। कहां पे होगी, एट द फोकस, मिरर के पीछे एट द फोकस क्या होगी, इमेज की पोजीशन होगी। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं इमेज इज वर्चुअल। इमेज कैसी है, वर्चुअल है। क्यों वर्चुअल है, क्योंकि मिरर के सामने तो इंटरसेक्शन हुआ नहीं और इंटरसेक्शन रिफ्लेक्टेड लाइट रे का रियल में तो हुआ नहीं। ये क्या हुई, इनके इनको प्रोजेक्ट करने के बाद में इन्होंने वर्चुअली एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, इन्होंने रियल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं किया है। इसलिए जो इमेज फॉर्मेशन हुई वो वर्चुअल हो गई, इमेजिनरी हो गई। वर्चुअल मतलब क्या होता है, काल्पनिक। तो इमेज क्या बनी, काल्पनिक इमेज बनी। आई बस समझ में बच्चों। अब आगे बात करेंगे इमेज इज इरेक्ट। तो जो इमेज होगी वो सीधी होगी। आई बस समझ में, इरेक्ट मतलब क्या होता है, सीधा होना। आइए अब हम लोग दूसरा केस पढ़ते हैं। दूसरा केस पढ़ने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि यहाँ पे U क्या होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो बच्चों मैंने आपको बताया है कि पोल से डिस्टेंस मेजर की जाएगी, यदि लेफ्ट वर्ड मेजर की जाएगी तो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। तो इसमें भी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव होगा। अब बच्चों आपने पूछा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है तो क्या इमेज डिस्टेंस के बारे में बताइए। तो इमेज डिस्टेंस होता है वी, और कहां से हम लोग डिस्टेंस मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे। तो पोल से मेजर किया, फोकस की तरफ बढ़े, तो कहां देखो मेजर कर रहे हैं हम लोग, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं। जब हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो ऐसी डिस्टेंस को हम लोग पॉजिटिव डिस्टेंस कहते हैं, याद होगा मैंने बताया था आप लोगों को। तो यहाँ पे जो v होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी बच्चों। नेक्स्ट दूसरे केस पे चलते हैं बच्चों, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिफोर मिरर। ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस हो, मिरर के सामने प्लेस हो। तो सामने किसी भी डिस्टेंस पे प्लेस हो सकता है, इन्फिनिटी से पहले किसी भी डिस्टेंस पे प्लेस हो सकता है। तो जब किसी भी डिस्टेंस पे प्लेस होगा, लेकिन इसमें से दो लाइट रे आई, एक लाइट रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुई, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो क्या होगी, अपीयर्स टू कम फ्रॉम द फोकस ऑफ द मिरर। ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रही है, ये देखो फोकस से आ रही है कि नहीं आ रही है, देखो ये फोकस है, फोकस से ये लाइट आ रही है और ये आगे की तरफ मूव करते हुए सीधे निकल जाएगी। और दूसरी लाइट रे जिसकी डायरेक्शन किसकी तरफ होगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। जिसकी लाइट रे की डायरेक्शन किसकी होगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्वेचर होगी। तो हमें पता है कि जब कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर के जाती है या उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्वेचर होती है, तो
मिरर पे इंसिडेंट होने के बाद में सेम पाथ को फॉलो करते हुए, सेम पाथ को रीट्रेस करते हुए सेम मीडियम को लौट जाती है। तो बच्चों यहाँ पे तो ये दोनों लाइट रे फिर क्या हो गए, डाइवर्जिंग लाइट रे हो गए, और डाइवर्जिंग लाइट रे इन्फिनिटी में भी एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं करती हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे पीछे की तरफ प्रोजेक्ट कर लिया और इसको भी हमने पीछे की तरफ ऐसे प्रोजेक्ट कर लिया, ठीक है ना। तो इन लाइट रेज ने यहाँ पे वर्चुअली एक दूसरे को इंटरसेप्ट किया। हमें पता है जब रिफ्लेक्टर लाइट रे, कौन सी लाइट रेज, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक दूसरे को इंटरसेप्ट करती है, वहीं पे हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों देखो यहाँ पे हमारा इमेज फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ, देखो ए डैश बी डैश ये हमारा इमेज बना कि नहीं बना, बन गया है ना। अब हम लोग आगे बातचीत करेंगे नेचर ऑफ द इमेज। तो इमेज का नेचर कैसा होगा, तो पहला साइज क्या होगा, डायमिनिश होगा, मतलब ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में देखो इमेज की साइज क्या है, छोटी है। पोजीशन क्या होगा, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रही है, है ना बच्चों। नेक्स्ट इमेज इज वर्चुअल, इमेज क्या है, वर्चुअल है। नेक्स्ट क्या है, इमेज इज इरेक्ट, तो काल्पनिक है और सीधी है। तो बच्चों आई होप आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ लेक्चर समझ में आया होगा। आप लोगों ने इसको, यदि आप लोगों ने इस लेक्चर को पसंद कर किया तो और भी लोगों के साथ में इस लेक्चर को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। बच्चों हम लोगों का चैनल क्या नाम है उसका, सुदिति एडू टॉक, सुदिति एडू टॉक, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट करें और शेयर करें, बहुत सारे लोगों के बीच में शेयर करें। लेक्चर अच्छा लगे तो बच्चों अप्रिशिएट करें, आप लोगों का कमेंट हम लोगों को और बेहतर करने के लिए एक ऊर्जा प्रदान करता है और एक इंस्पिरेशन प्रदान करता है। बच्चों आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, आप लोग घर के अंदर रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।